कोयला खदान मजदूर संघ कामगारों को न्याय दिलाने वाले अग्रगण्य संगठन भारतीय कोयला मजदूर संघ द्वारा सावनेर सबेड़िया के गेट पर भव्य धरना देकर प्रलंबित 55 सूत्रीय मांगों पर वेकोली प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने तथा कामगारों की मांगे मानाने हेतु भव्य धरना दिया गया है। भारतीय कोयला मजदूर संघ नागपुर उमरेड एरिया अध्यक्ष मनोज प्रसाद, JBCCI सदस्य जयंत आसोले, उपक्षेत्र सामने प्रभारी रजनीश नुनहारिया आदि के नेतृत्व में किए गए इस धरना आंदोलन में 55 सूत्रीय मुख्य मांगों में JBCCI 11 को तुरंत लागू किया जाए, इकाई क्षेत्रीय और कंपनी स्तर की औद्योगिक बैठकें कैलेंडर के अनुसार निर्धारित हो, जिन लिपिकों का चयन होकर आदेश निरस्त किया गया है उन 20 लिपिकों को उसी क्षेत्र में तुरंत पोस्टिंग हो, स्पेशल लीव का जब तक मेडिकल बोर्ड ना हो तब तक कामगारों को निरंतर स्पेशल लीव का भुगतान हो, मेन पावर बजट 2022-23 अनुसार ओवरमैन माइनिंग सरदार ओवरसियर लिपिक DO जूनियर टेक्नीशियन इंस्पेक्टर पैरामेडिकल आदि स्टाफ के रिक्त पदों हेतु विभागीय स्तरों पर परीक्षाएं शीघ्रता से संपन्न हो, ऐसी कामगार हितों की करीब 55 मांगों हेतु यह धरना आंदोलन सावने सब एरिया के सामने किया जा रहा है। अगर कामगारों की जायज मांगों पर कोल प्रबंधन ने विचार कर शीघ्रता से हल नहीं निकाला तो सावनेर उपक्षेत्र के कामगार कॉलोनी के आवासीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था, रास्ते, बिजली, साफ सफाई, आवासीय मरम्मत, टूटे दरवाजे, खिड़कियां, छतों से टपकता पानी आदि कामगारों की मूलभूत समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर शीघ्रता से हल नहीं निकाला गया तो भविष्य में और तीव्र आंदोलन की चेतावनी इस अवसर पर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से दी गई। ये आंदोलन हमारा कामगारों के जो छोटी-छोटी मांगे हैं, ये लेवल की मांगे हैं, कई वर्षों से संगठन डिमांड करते जा रहा है लेकिन प्रबंधन आश्वासन देता नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करता है। उन मांगों को लेकर पूरा डब्ल्यू सी एल लेवल पर हमारा धरना आंदोलन चालू है। आगे भारी बारिश के अंदर में भी आप आंदोलन पर डटे हुए, इसका क्या कारण? इसका ये कारण है कि मजदूरों की मांगों के लिए हमारा संगठन कितना गंभीर है यह दर्शाता था। इसमें और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयो की डिमांड है, देखिए हमारी काफी 55 सूत्री डिमांड है। सावनेर से NBCA न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।